स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टीम। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे और कल्याण लोकसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कल्याण से श्रीकांत शिंदे तो ठाणे से नरेश मस्के मैदान में है, तो वहीं उद्धव गुट की तरफ से कल्याण लोकसभा से वैशाली दरेकर को मैदान में उतारा गया है और ठाणे से राजन विचारे मैदान में है। मूसेवाला मर्डर केस का मास्टर माइंड गोल्डी बराड का अमेरिका में हत्या का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुज थापर ने पुलिस हिरासत में अपनी जान दे दी है। आरोपी पर इल्ज़ाम था कि इसने ही सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी वो हथियार इसी ने ही मुहैया कराया था। महाराष्ट्र में गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दिन में सूरज की तपन और रात में गर्मी, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा, मुंबई, रायगढ़, ठाणे और कोकण, गोवा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। लोगों से निवेदन किया गया है कि ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। तेज़ गर्मी की वजह से लगातार आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मुंबई के नाला सुपारा इलाके में एक होटल में आग लगने से 4 लोग घायल हो गए हैं। खबरों के अनुसार पहले यहां पर विस्फोट हुआ और उसके बाद यहां पर आग लगी। मौके पर दमकल विभाग भी पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस इस आग लगने की घटना की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दांडी सेवा आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण और अनैतिक कृत्य का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने यहां पर आरोपी को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर जांच में भी जुट गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रील बनाने के चक्कर में पैर फिसला और मनीषा नाम की लड़की नहर में गिर गई। काफ़ी तलाश की गई मनीषा की नहर में, लेकिन कुछ पता नहीं चला और आखिरकार 3 दिन बाद मनीषा का शव नहर से बरामद किया गया है। यूपी के देवरिया में मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर पहले विवाद हुआ था और दबंगों ने पुजारी के घर जाकर पुजारी की हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ली है और आगे पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विस्तारा की फ्लाइट की भुवनेश्वर एयरपोर्ट से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद मौसम बिगड़ गया। ओले की वजह से विंड शीट क्रैक हो गई और एयरक्राफ्ट का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके वजह से फौरन फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि यात्री और क्रू मेंबर सब सुरक्षित हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मतदाताओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डीएम नेहा शर्मा की पहल पर स्थानीय स्तर पर एक गीत लॉन्च किया गया है, मेरा गोंडा मेरी शान। गीत का मकसद सिर्फ इतना है कि मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इस गीत को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग मतदान के प्रति जागरूक हो और आने वाले 20 मई को अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपना बहुमूल्य मत दें।